वेलकम टू माय चैनल नाजिन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मॉइस्चराइज़र एंड क्लिनजिंग मिल्क के बारे में बात करूंगा। नाजिन, इसके बारे में बात करूंगा कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और इसका बेनिफिट क्या क्या है, और ये आप क्योंकि ये एक वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। नाजिन, ये ख़ास नाबियात और मेडिकल हर्बल फार्मूलेशन से तैयार की गई है। इन तमाम प्रोडक्ट को हर उम्र के हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसीलिए इनकी तमाम प्रोडक्ट को पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े पार्लर और ब्यूटी सलोन ने सराहा है। इसकी वजह यह है कि बेहतरीन रिजल्ट के साथ साथ तमाम प्रोडक्ट की मुनासिब कीमत है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को हम गारंटी देते हैं कि वो इसकी तमाम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, कम खर्च में ये आपको इंपोर्टेड से ज़्यादा अच्छे जो है रिजल्ट देगी। इसके अलावा नाजिन, ये एक एक्यूरेट क्रीम है जो कि तमाम तर कुदरती हर्बल से तैयार करता है। यह जिल्द का कुदरती निज़ाम बहाल करके इसे मुनासिब नमी फराहम करती है और दौरान खून को बहाल करके स्किन के टिश्यू को मजबूत करती है, जिससे जिल्द पर ताज़ा खलियों के बनने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है और जिल्द जो है नरम मुलायम और चमकदार हो जाती है। इसके अलावा नाजिन, इसको मैं खोल के भी आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का ये लोशन निकलेगा। कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है नाजिन, एक तो ये मॉइस्चराइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो है ये जब आप थ्रेडिंग वगैरह और जो है हेयर रिमूव क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैजुअल आप सर्दियों में इसको मॉइस्चराइजिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें को नाजिन आप चेहरे पे और बॉडी के किसी भी हिस्से पर मॉइस्चराइजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहना है कि ये हीलिंग क्रीम है और ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन क्रीम है। इसके इस्तेमाल से आप की स्किन के ऊपर जो चिपकापन है वो नहीं आएगा। कुछ लोशन जो है क्लिनजिंग मिल्क, उनको इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन के ऊपर जो है ग्रीसी ग्रीसी सी स्किन हो जाती है, इसके इस्तेमाल से ये मसला नहीं होता, ये अच्छी तरह जज़ब हो जाती है। जज़ब होने के बाद आपकी स्किन जो है वो नरम मुलायम हो जाती है और इसका चिपकापन भी स्किन के ऊपर नहीं आता। इनका कहना है कि ये 48 घंटे तक आपकी स्किन को मॉइस्चरा सकती है। इसके बाद नाजिन, इसकी बैक साइड पर देखें तो इन्होंने इसके मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स और इसका तरीका इस्तेमाल जो है इंग्लिश में और इसके अलावा अरबी में मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलें तो इसके ऊपर इन्होंने मैन्युफैक्चरर एक्सपायरी और इसकी रिटेल प्राइस जो है ऊपर मेंशन की गई है। नीचे चलें तो इन्होंने इसकी जो मकदार है जो 200 ग्राम है वो मेंशन की हुई है, यानी कि ये 200 ग्राम में जो है इसकी रिटेल जो है वो 460 रुपये है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नाजिन, ये बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग मिल्क है, इसके इस्तेमाल से आप इसको फेशियल के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने के अलावा अगर आपकी एरिया फट गई हैं तो आप वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये क्रैक क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजिन, मज़ीद इसके बेनिफिट या कोई बात मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा नाजिन, अगर आप को ये आपके किसी करीबी जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर से फार्मेसी से नहीं मिल रहा तो आप मुझसे रब्ता करके मुझसे भी ये परचेज़ कर सकते हैं। मेरा जो आपका नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके मुझे रब्ता कर लेना या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर देना, मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। इसके अलावा नाजिन, आखिर में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक रेगुलर पहुँच सके। नाजिन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।